subscribe to my channel Zaika Kanpuri and also press the bell icon. You will never miss out my upcoming videos. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सुमैया एंड वेलकम टू जायका कानपुरी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स और मिर्चों का पाउडर बनाना, यानी ग्रीन चिली का जो पाउडर होता है उसे बनाना आपको बताएंगे। तो वो कैसे बताएंगे, सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए इनको अच्छे से वॉश कर लिया, इनके डंठल निकाल लिए मैंने और इनको एक मसलिन क्लॉथ से आप वॉश करके इस तरह से अगर कवर करके फ्रिज में रख देंगे तो आप इंस्टेंट कभी भी कुछ बना रहे हो यूज़ कर सकते हो, ना आपको वॉश करने की टेंशन ना डंठल निकालने की टेंशन। पहला टिप आपके लिए मेरा ये हो गया, इसे भी आप कर सकते हैं। और जो दूसरा टिप है वो ये है कि हमें इन्हें अच्छे से टॉवल, जो किचन टॉवल होता है, वो छत पर हम किसी चारपाई या किसी टोकरी पर बिछा देते हैं अच्छे से और इन मिर्चों को अच्छे से फैला देंगे पूरे दुपट्टे पे या किसी भी किचन टॉवल पर फैला देंगे अच्छे से। आपके पास किचन टॉवल ना हो तो आप किसी दुपट्टे को, ऐसा जो आप यूज़ नहीं करते हो, क्लीन दुपट्टा हो उसी को आप अपना किचन टॉवल बना लीजिए। और फिर 5 दिन की धूप लगाएंगे। 5 दिन की धूप लगाने के बाद ये कैसे दिखते हैं आपको बताती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये 5 दिन की धूप लग गई है इन मिर्चों में, कितने अच्छे से हो गए हैं ये धूप लगने के बाद। आपके लिए बहुत यूज़फुल टिप है ये, क्योंकि अगर आपके फ्रिज में मिर्चें ख़त्म हो गए हैं और अभी तो एक्स्ट्रा पड़े थे तो मैंने इनका इस तरह से इस्तेमाल कर लिया है, वेस्ट नहीं होने दिया। मैं अपने किचन में कुछ भी वेस्ट नहीं होने देती हूँ। और अगर आपके पास मार्केट जाने का टाइम नहीं है तो आप इन मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हांडी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पाउडर बनाना। हमने अपना मिक्सर का जार ले लिया है, उसमें ऐड कर देते हैं ये मिर्चें। जार में सारे मिर्चें ऐड कर दिए हैं, कैप लगा देते हैं इसका और इसको कर लेते हैं ग्राइंड। तो फ्रेंड्स, हमने इसे ग्राइंड कर लिया, चेक कर लेते हैं अपना पाउडर। बहुत ही इत्मीनान से, बहुत सहूलियत के साथ इसको ओपन कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर चिली पाउडर हो चुका है। अब ये देखें किस तरह से है, ये इस तरीके से। और अच्छा पाउडर चाहिए, फाइन पाउडर आपको, तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से एक बार और ग्राइंड कर लीजिए और एक सीव कर लीजिए, यानी अच्छे से छन्नी से छान लीजिए, वो एकदम फाइनली पाउडर आपको मिल जाएगा। हम इसे आपको बॉल में निकाल के दिखाते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारा जो मिर्चों का पाउडर है वो अच्छे से तैयार हो गया है बनकर। आपको इससे 2 फायदे होने वाले हैं। पहला फ़ायदा कि आपके जो फ्रिज में एक्स्ट्रा मिर्चे पड़े हुए वो वेस्ट नहीं होंगे। दूसरा फ़ायदा, अगर आपके फ्रिज में मिर्चे नहीं है तो आप इससे कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस चिली पाउडर को 6 महीने अपने एयरटाइट कंटेनर में आराम से रख सकते हैं, कुछ भी नहीं खराब होगा, बिल्कुल नहीं खराब होता है ये। और मैं तो इसे 1 साल तक चलाती हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छे से इसको स्टोर करके रखती हूँ। आप भी चाहें तो इतने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। डिपेंड ऐप के ऊपर आप किस तरह से इसको चला रहे, एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखिए। बिल्कुल ध्यान दीजिए कि इसमें किसी तरह की हवा अंदर ना जाने पाए डब्बे के अंदर। मैं इस तरह से अपने घर पर इसे हमेशा बना कर रखती हूँ। अगर मेरी फ्रिज में मिर्चे नहीं भी होते हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, मैं इसको रेसिपी में ऐड कर देती हूँ। और इससे रिलेटेड मैं आपको रेसिपी भी बताने वाली हूँ, जैसे कि रायता है, जलजीरा पाउडर, बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ है जो मैं इससे आपको बताने वाली हूँ, बताऊँगी ही इंशाल्लाह वीडियो में। तो आपको मेरी ये टिप्स और चिली पाउडर कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।